गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले पेंट वन के भाग में आप सभी ने बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कि लाइन टूल, टेक्स्ट टूल, रेक्टेंगल टूल, कलर वन, कलर टू, फिल विद कलर, थिकनेस ऑफ द लाइन, कलर पैलेट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, ओवल टूल इत्यादि के बारे में सीख लिया है। आज की क्लास में आप पहले मॉड्यूल के भाग से शुरू करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। सबसे पहले तो हम कमांड का रिवीजन करेंगे, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, कट, अंडू, रीडू, सेलेक्ट इत्यादि, और कलर बॉक्स वन और कलर बॉक्स टू का उपयोग करेंगे। ओवल टूल के मदद से कुछ चित्र बनाएंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आप एमएस पेंट की फाइल वैसे ही ओपन करेंगे जैसे आपने पेंट वन में किया था। क्या आप सभी बता सकते हैं अंडू क्या होता है? अंडू से हम पेंट की सीट में अपनी गलतियों को एक एक करके मिटा सकते हैं या हटा सकते हैं। क्या आप जानते हैं अंडू के लिए कौन से शॉर्टकट कमांड का उपयोग करेंगे? अंडू की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होती है। इसका उपयोग देखने के लिए आप सभी तीन ओवल खींचे और उसके बाद आप सब कंट्रोल प्लस जेड दबाकर देखें। आपके तीनों ओवल एक एक करके डिलीट हो जाएंगी। अगर अंडू का उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देखकर अंडू का अभ्यास करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडू का उपयोग कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप ओवल टूल को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपने पेंट के सीट पर एक ओवल को ड्रैग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक और ओवल को ड्रैग करें, फिर उसके बाद एक और ओवल को ऐसे ड्रैग करें। अब इन तीनों ओवल को हटाना है। इसके लिए हम अंडू का उपयोग करेंगे, जो कि कमांड होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करने के लिए आप अपने एक हाथ के एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और दूसरे हाथ के एक फिंगर से जेड के बटन को एक ही समय पे दोनों बटन साथ में प्रेस करें, जिससे कि एक एक ओवल डिलीट होता जाएगा, यानी कि हट जाएगा। इस तरह से आप अंडू का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं रीडू क्या होता है? रीडू अंडू का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है। अंडू से किसी चीज जैसे कि लाइन अथवा किसी टेक्स्ट को एक एक करके डिलीट करते हैं, तो रीडू से उस लाइन अथवा टेक्स्ट को दोबारा ला सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं रीडू के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे? रीडू के लिए कमांड होता है कंट्रोल प्लस वाई। इस कमांड का उपयोग करने के लिए आप अपने एक हाथ के एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और राइट हैंड के एक फिंगर से हम वाई के बटन को एक एक करके दबाएंगे, जिससे कि जो टेक्स्ट अथवा ओवल अथवा लाइन अंडू की मदद से मिटाए थे उनको वापस ला सकते हैं। अब आप सभी रीडू का अभ्यास करें। जैसे कि आप सभी ने अंडू किया था, ठीक उसी प्रकार आप सभी अब उन तीनों ओवल को रीडू करके वापस लाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि रीडू का उपयोग कैसे करते हैं। अभी आप सब ने अंडू का उपयोग किया, अंडू के द्वारा आपने तीन ओवल को हटाया था। अब उसे वापस लाने के लिए रीडू का उपयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी अपने हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबा के रखें और दूसरे हैंड के एक फिंगर से वाई के बटन को दबाएं, तो फिर देखेंगे आप कि एक एक ओवल आपका जो आपने अंडू करके हटाया था वह वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप रीडू का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं रीडू के लिए कमांड होता है कंट्रोल प्लस वाई। क्या आप सभी बता सकते हैं कॉपी और पेस्ट क्यों करते हैं? कॉपी का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ओवल, लाइन अथवा किसी टेक्स्ट को एक से ज़्यादा करना।
जैसे कि आपके पेंट के शीट पर एक घर का चित्र है, ठीक उसी प्रकार का अगर घर आप बनाना चाहते हैं तब आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करेंगे। क्या आप जानते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होता है? एमएस पेंट में कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड इस प्रकार से है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि इन कमांड का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। कॉपी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस ऑब्जेक्ट जैसे लाइन अथवा ओवल को कॉपी करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी पेंट की शीट पर एक एक लाइन अथवा फिर एक ओवल को बनाएं। आप ध्यान दें कि कॉपी करते समय कंट्रोल के बटन दबाकर रखें और फिर दूसरे हाथ से सी के बटन को एक बार दबा दें अथवा प्रेस करें। अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखकर कॉपी पेस्ट करना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप सभी अपने पॉइंटर को ओवल टूल के ऊपर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के शीट पर लेकर आएं और ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, जिससे कि एक ओवल ड्रैग हो जाएगा। उसके बाद अपने पॉइंटर को सेलेक्ट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पर क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको रेक्टेंगुलर सेलेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने पॉइंटर को अब इस पूरे ओवल को सिलेक्ट करना है, इसलिए अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखें और ऐसे ड्रैग करें, जिससे कि अब यह पूरा ओवल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के द्वारा हमें पता लग चल रहा है कि हमारा यह ओवल सेलेक्ट हो गया है। अब इसे कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी के बटन को दबाएं। लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल को दबा के रखें और उसी टाइम पे सी को दबाएं, जिससे कि कॉपी हो जाएगा। कॉपी होगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर जब आप पेस्ट करेंगे तो सेम ऐसा ही एक और ओवल आ जाएगा। पेस्ट करने के लिए कमांड होता है कंट्रोल प्लस वी। अब इस ओवल को आप पिक करके अपने पेंट के शीट पे कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप इस ओवल को पहले वाले ओवल के पास लेकर आ रहे हैं या उसके ऊपर रख रहे हैं, तो आपका पहला वाला ओवल हाइड हो जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप सेलेक्ट टूल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि अब पहला वाला भी आपका ओवल शो होने लगेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद इसे पिक करके आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको एक और ओवल चाहिए तो आप दोबारा से सिर्फ कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करेंगे, यानी कि पेस्ट करेंगे, जिससे कि एक और ओवल आ जाएगा। अब आप इस ओवल को पिक करके कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक और ओवल चाहिए, आप पेस्ट करेंगे, उसे पिक करके कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप कट पेस्ट के बारे में सीखेंगे कि कट क्या होता है। कट का मतलब होता है किसी ड्राइंग अथवा टेक्स्ट को उस जगह से कट करना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लाइन खींच दिया, अब उस लाइन को उस जगह से हटाना चाहते हैं तो हम कट करेंगे। लेकिन कट करने से पहले उस लाइन को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि कट किस ऑब्जेक्ट अथवा ड्राइंग टेक्स्ट को करना है। अब आप सभी एक ओवल को ड्रैग करें जिसके अंदर फिल कलर हो और उसके नीचे वाले हिस्से को कट करें।
आइए अब वीडियो को देखकर कट पेस्ट करना सीखें। कट करने के लिए भी आप सबसे पहले ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिल पर जाएंगे, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कलर वन को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर टू को सेलेक्ट करेंगे और सेम कलर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक ओवल को ड्रैग कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को सेलेक्ट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के सीट पर लेकर आएंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और इस ओवल के नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स का कमांड का उपयोग करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एक्स का कमांड का प्रयोग करेंगे, आपका यह पूरा चित्र के नीचे का हिस्सा जहां आपने सेलेक्ट किया था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के द्वारा, उसके अंदर पूरा ब्लैक कलर आ जाएगा, क्योंकि आपने कलर टू में ब्लैक कलर ले रखा है। जब भी आप कट करें, आपका कलर टू वाइट होना चाहिए। इसके लिए फिर अब आप अंडू करेंगे। अंडू करने के बाद कलर टू को वाइट करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कट का कमांड का प्रयोग करेंगे, जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होता है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे, आपने जो इस ओवल के नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट किया है वह कट हो जाएगा। अब इसे लाने के लिए आप पेस्ट का कमांड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप कट कर सकते हैं। क्या आपको यह सभी कमांड समझ में आ गया है कि इनका उपयोग कैसे और क्यों करते हैं? अगर नहीं तो आप सब दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि इस भाग में हम इन सभी कमांड की मदद से पिक्चर बनाएंगे सामने दिए गए चित्र को देखें, क्या आप बता सकते हैं कि आप इस चित्र को कैसे बनाएंगे? आप इस चित्र को बनाने के लिए ओवल टूल के साथ साथ कलर पैलेट और कट का प्रयोग करेंगे। क्या आप सामने दिए गए चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? अगर आप सभी को इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो, तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाएंगे। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन में ग्रीन कलर लें या आपकी मर्जी है जो चाहे कलर लें, फिर कलर टू को सेलेक्ट करें, कलर टू में भी सेम कलर लें जो आपने कलर वन में लिया है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिल पर जाएं, यहां पर क्लिक करें, सॉलिड कलर लें
और एक ओवल को ड्रैग करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कलर टू को वाइट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। कलर टू को वाइट करके या इसे वाइट करने के लिए कलर टू को पहले सेलेक्ट करेंगे फिर वाइट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएंगे क्योंकि हमें अब कट करना है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। और फिर ये नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कट कर देंगे। कट के लिए कट का कमांड का उपयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कट करने के बाद लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे एक लाइन को ड्रैग कर देंगे। उसके बाद फिर ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे। कलर वन को सेलेक्ट करेंगे। उसमें कलर्स को सेलेक्ट करेंगे फिर कलर टू को भी सेलेक्ट करेंगे सेम कलर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में ओवल को ड्रैग करेंगे। फिर कलर टू को सेलेक्ट करेंगे इसे वाइट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट टूल पे जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ से ऊपर वाले इस ओवल के ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसे कट करेंगे। कट के लिए जो कमांड होता है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे। फिर सेलेक्ट इस ओवल को कट करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद इसे पिक करके यहाँ पर नीचे ऐसे रख देंगे। सिलेक्शन टूल पे जाएंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हटाएंगे क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का ऐसे आ रहा होगा इमेज। इसे ठीक करने के लिए अब दोबारा से सेलेक्ट पे जाएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे पिक करके यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद अब कलर टू को सेलेक्ट करेंगे या फिल पे जाएंगे सॉलिड कलर लेंगे। कलर वन में ब्लैक कलर लेंगे। कलर टू को सेलेक्ट करेंगे इसमें भी ब्लैक कलर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ओवल को ड्रैग कर देंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद कलर टू को वाइट करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लेंगे क्योंकि हमें अब कॉपी पेस्ट करना है। अब इस ओवल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करेंगे। अब इसे पिक करके हम कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोबारा से फिर पेस्ट करेंगे, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि एक और ओवल आ जाएगा और उसे पिक करके यहाँ पे रख लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद से ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिल पर जाएंगे, नो फिल को सेलेक्ट करेंगे, कलर वन को सेलेक्ट करेंगे, रेड कलर लेंगे, और फिर यहां पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग कर लेंगे, साइज पे जाएंगे, इस ओवल के साइज या थिकनेस को कम कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर सेलेक्ट पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लेंगे, ये इसके ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। उसके बाद कट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे, अब इसे सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसे पिक करके यहां पे रख लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। क्या आप सामने दिए गए चित्र को बना सकते हैं अथवा नहीं? अगर आप सभी को इस चित्र को बनाने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को ओवल टूल पर लेकर आएंगे, ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर वन को चेंज करेंगे, कलर टू को भी सेलेक्ट करेंगे और उसके कलर को चेंज करेंगे, फिल पर जाएंगे, सॉलिड कलर लेंगे, यहां पे ऐसे ड्रैग कर देंगे,
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा ओवल ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे, कलर वन को ब्लैक करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे लाइन को ड्रैग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर यहां से ऐसे लाइन को मिला देंगे। फिर आप कलर टूल को भी ब्लैक करेंगे, ओवल टूल को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एक छोटे से ओवल को ड्रैग करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ पे एक और ओवल को ड्रैग कर लेंगे। कलर टू को व्हाइट कर लेंगे। सेलेक्ट पे जाएंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को लेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करेंगे और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, जिससे कि यहाँ पे एक ओवल आ जाएगी। अब उसके बाद इस ओवल को हम पिक करके कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर एक और चाहिए, हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप फिल विद कलर को सेलेक्ट करेंगे। कलर वन को सेलेक्ट करेंगे, कलर को चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कलर को फिल कर देंगे। कलर को फिल करने के लिए आप टचपैड के लेफ्ट बटन या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे कि यह कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। अब आप सभी को इस चित्र को खुद से बनाना है और उसके बाद अपने टीचर को दिखाएं, क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी अपने फाइल को क्लोज करें और फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने शॉर्टकट कमांड का अभ्यास किया और ओवल टूल का उपयोग किया। इसके साथ कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 का भी उपयोग करना सीखा।